अदाबी आईपीटीवी सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत ने इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करके इस टूर्नामेंट में टॉप किया है और अभी तक सिर्फ एक ही मैच हारा है। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम अभी किस लय में चल रही है। तो अब टीम इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होना है, तो अब न्यूजीलैंड भी टीम इंडिया की इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर घबरा गया है। और खास करके टीम इंडिया अपने आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका को जिस तरह से एक तरफा हराया था उसे देखकर तो न्यूजीलैंड के पसीने आ गए हैं, इसलिए वे घबराकर उटपटांग बयान दे रहे हैं। वे जानते हैं कि भारतीय टीम को मैदान में हराना नामुमकिन ही है, इसलिए वे मैदान के बाहर टीम इंडिया के खिलाफ खिलाड़ियों के माइंड गेम खेल रहे हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कैसे विरोधी टीमों पर कहर बनकर टूटे हैं। आप उनके फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में 5 शतक लगा चुके हैं, जिससे वे दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले। दोस्तों जहां कई खिलाड़ियों से 1 शतक नहीं बनते हैं तो वहां पर रोहित ने 5 शतक लगाए हैं और वो अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। और इसी को देखते हुए न्यूजीलैंड की टीम रोहित शर्मा से घबरा गई है। उसे डर सता रहा है कि रोहित उनके गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई न कर दे, इसीलिए रोहित शर्मा का ध्यान भटकाने के लिए रोहित पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें माइंड गेम में फंसा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा है कि रोहित शर्मा हमारे खिलाफ शतक नहीं बना पाएंगे, हमारे गेंदबाज 10 ओवर के अंदर ही रोहित को आउट कर देंगे क्योंकि हमने रोहित के खिलाफ खास रणनीति बनाए हैं जिसमें वे फंस जाएंगे और हमने रोहित की सारी कमजोरी को भी पकड़ा है, इसलिए हमारे गेंदबाज रोहित को जल्दी आउट करने में सफल रहेंगे। दोस्तों केन विलियमसन ने आगे कहा है कि टीम इंडिया हमसे हारने वाली है और उससे हारने से न तो रोहित शर्मा बचा सकते हैं और न ही बेस्ट फिनिशर धोनी भी। दोस्तों जब केन विलियमसन को ये याद दिलाया गया कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है तो उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से है और ये मैच उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, उनकी असली परीक्षा हमारे खिलाफ होगा। हालांकि अंत में उन्होंने ये भी माना कि निश्चित रूप से भारतीय टीम विश्व क्रिकेट की एक बेहतरीन टीम है और भारत के खिलाफ हमारा यह मैच अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला होगा और दुनिया की ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो भारत को आसानी से हरा सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड में टीम इंडिया को हराने का दम है? आप कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।